हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्ण। आपको स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिटर स्टडी चैनल में। लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट वन में हम डिस्कशन किए थे क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। इसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द क्यूपोला इज यूज टू मेक, आंसर ऑप्शन बी कास्ट आयरन। जैसे कि क्यूपोला फर्नेस यूज किया जाता है कास्ट आयरन प्रोडक्शन करने के लिए, उसी तरह ब्लास्ट फर्नेस यूज किया जाता है पिग आयरन प्रोडक्शन करने के लिए, और पुडलिंग फर्नेस रॉट आयरन प्रोडक्शन करने के लिए, और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और हाई फ्रिक्वेंसी फर्नेस, ये दोनों फर्नेस यूज किया जाता है स्टील प्रोड्यूस करने के लिए। और उसी स्टील को चार प्रोसेस में बनाया जाता है। पहला प्रोसेस बेसमर प्रोसेस, सेकेंड वन LD प्रोसेस, थर्ड वन इलेक्ट्रिक प्रोसेस, फोर्थ वन ओपन हार्थ प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 52, द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, आंसर ऑप्शन डी फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 53, इन ए माइक्रोमीटर इफ जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बिल इज एबव द डाटम लाइन व्हेन द फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट द एरर इज, आंसर ऑप्शन बी नेगेटिव। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि जब एक माइक्रोमीटर के स्पिंडल की फेस और एनविल कॉन्टैक्ट में रहेंगे तब जीरो ग्रेजुएशन वो जो थिम्बिल का है वो डाटम की लाइन के ऊपर में रहेगा तो पॉजिटिव रीडिंग प्रोवाइड करेगा, उसी को हम लोग नेगेटिव एरर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, आंसर ऑप्शन बी बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 55, लीड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, आंसर ऑप्शन सी गैलिनम। ऑप्शन ए में जो लिमोनाइट ओर दिया गया है उसी से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम और टीन स्टोन ओर से टीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, वर्नियर प्रोट्रैक्टर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, आंसर ऑप्शन बी एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 57, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू डैश mm, आंसर ऑप्शन सी 0.001 mm। क्वेश्चन नंबर 58, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर, आंसर ऑप्शन सी 90 डिग्री एंगल ऑफ जॉब। क्वेश्चन नंबर 59, द बेस्ट पोजिशन टू होल्ड द जॉब इन द वाइस व्हेन फाइलिंग इज, आंसर ऑप्शन सी एल्बो लेवल, जिसको एवरेज में 106 सेंटीमीटर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, द नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ आर लीस्ट इन, आंसर ऑप्शन ए बास्टर्ड फाइल। क्वेश्चन नंबर 61, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, आंसर ऑप्शन डी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ट्राइंगल में इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, और ये होता है बेस, और ये परपेंडिकुलर और हाइट, इसे हाइट को बेस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाद में हाफ के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज, आंसर ऑप्शन बी 540 डिग्री। इफ ए फिगर इज सराउंडेड बाय 5 साइड वी कैन कॉल इट पेंटागन। इसी पेंटागन का ईच एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, जहाँ पर एन नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन होता है। पेंटागन के लिए एन की वैल्यू 5 लेंगे, और ईच ऑफ इंटरनल एंगल की फॉर्मूला 2n-4 × 90 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ इंटरनल एंगल, उसी के लिए नीचे एन नहीं रखना चाहिए, तो फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री, एन के प्लेस में 5 पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे तो आंसर 540 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 63, द रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू ट्रू लेंथ इज, आंसर ऑप्शन ए 0.815। हमेशा ट्रू लेंथ इज लार्जर देन द आइसोमेट्रिक लेंथ। क्वेश्चन नंबर 64, द सिंबल ऑफ मीडियम फिनिश इज, आंसर ऑप्शन सी जो कि टू ट्राइंगल दिया है। अब ये फिगर के देखिए जो कि वैल्यू दिया है रफनेस ग्रेड नंबर N1, N2, N3 फाइन फिनिशिंग होता है, और ऊपर में दिया गया है N12 जो कि रफ फिनिशिंग में आता है। इसी फिगर को देखेंगे तो बीच में दिया गया है N7, N8, N9 जो कि दो ट्रायंगल वाला वही मीडियम फिनिश में आने वाला है, तो सो आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, द पोर्शन ऑफ अ फाइल व्हिच इज नॉट हार्डेंड इज, आंसर ऑप्शन डी टैंग। क्वेश्चन नंबर 66, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री फारेनहाइट इक्वल्स टू, आंसर ऑप्शन सी -40 डिग्री फारेनहाइट। इधर मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस फारेनहाइट रिमर एंड केल्विन,
फॉर्मूला के हिसाब से चारों को मिलाकर लिखा है, जो कि सी डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 5। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सेल्सियस और फारेनहाइट की बीच में, और सेल्सियस के प्लेस में -40 डिग्री पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर में -40 डिग्री फारेनहाइट आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 67, 25.4 mm इज इक्वल टू, आंसर ऑप्शन सी 1 इंच। क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ सिल्वर, आंसर ऑप्शन ए आर्जेंटाइट। क्वेश्चन नंबर 69, द वैल्यू ऑफ 3 to the power 2 प्लस 2 to the power 0 इंटू 11 to the power 0 इज इक्वल टू हाउ मच, आंसर ऑप्शन बी 10। अभी पेपर में सॉल्व करके देखेंगे। 3 to the power 2 9 होता है, इसलिए 9 लिख लिया, और बाद में लिखा है कि 2 to the power 0 एंड 11 to the power 0। अलजेब्रिक में एक रूल होता है, जो भी x to the power 0 फॉर्मेट में रहेगा इसका आंसर 1 होने वाला है, इसलिए 2 to the power 0 एंड 11 to the power 0 के प्लेस में मैंने 1 लिख लिया। और एज पर बोडमास रूल पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × 1 जो कि 1 होता है, और 1 को हम 9 के साथ एडिशन करेंगे तो फाइनल आंसर 10 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70, द लिक्विड ड्रॉप्स और गैस बबल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू, आंसर ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 71, द एवरेज डायमीटर ऑफ 6 bushes इज 18 mm, ए बुश इज इंक्लूडेड देन एवरेज बिकम्स 18.2 mm, फाइंड द डायमीटर ऑफ 7 bushes। क्वेश्चन में पूछा है कि 6 bushes का एवरेज 18 mm हो रहा है, जब 7th bushes आता है तो उसका एवरेज 18.2 mm हो जाता है, तो इसी 7th bush का डायमीटर कितना है इसको निकालना है। 6 bushes का एवरेज 18 mm दिया है, और बाद में एक मिलाकर टोटल 7 bushes का एवरेज 18.2 mm दिया गया है, और एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल बुश साइज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बुश, जो कि सेकंड केस में एवरेज दिया है 18.2 mm। और टोटल बुश साइज निकालने के लिए 6 bushes के साथ उसके एवरेज मतलब 6 × 18 प्लस एक्स, जो कि 7th bush को हम एक्स mm अजीम किया है, और उसका नीचे 7 डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ बुश 7, और इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 19.4 mm आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 72, द वैल्यू ऑफ sin 45° माइनस cos 45° इज हाउ मच, sin 45° का वैल्यू 1/√2 होता है, और cos 45° का वैल्यू भी 1/√2 जो कि आंसर 0, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, ऑप्शन सी जिंक। क्वेश्चन नंबर 74, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 m/s देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर इच। अभी पेपर में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सेकेंड में 5 m जा रहे हैं, और दोनों साइड में 3600 मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि वो 1 आवर के बराबर हो जाता है, और ये 18,000 m हो रहा है, जो कि आंसर ऑप्शन बी 18 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75, साइन थीटा इज गिवन बाय, आंसर ऑप्शन सी, इस ट्रायंगल में इसको थीटा लिया जाएगा तो ये होता है हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। साइन थीटा की वैल्यू उधर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, जो कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, 1 horsepower इक्वल टू, आंसर ऑप्शन डी 746 W। क्वेश्चन नंबर 77, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, आंसर ऑप्शन सी ओम। जैसे कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होता है, उसी तरह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, और पावर की यूनिट वाट। क्वेश्चन नंबर 78, मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज फॉर, आंसर ऑप्शन डी टू एक्यूरेट मेजर द जॉब। क्वेश्चन नंबर 79, एन आइसोमेट्रिक व्यू शोज, आंसर ऑप्शन डी 3 साइड ऑफ जॉब। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए,
ये होता है एक ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू में इसकी तीनों साइड दिखाया जाता है, एक होता है फ्रंट और ये होता है टॉप और ये होता है साइड। क्वेश्चन नंबर 80, बेंच वाइज स्पिंडल लिहाजा, आंसर ऑप्शन बी स्क्वायर थ्रेड है। क्वेश्चन नंबर 81, यू ब्रॉट सम एप्पल्स ऑन द फर्स्ट डे, यू ईट वन एंड वन फोर्थ ऑफ द रिमाइंडर, ऑन द सेकेंड डे यू ईट टू एंड वन फोर्थ ऑफ द रिमाइंडर, ऑन द थर्ड डे यू ईट द एंटायर रिमेनिंग बैलेंस ऑफ थ्री, हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू बाय। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि कुछ एप्पल तुम लेके आ रही हो और पहला दिन में एक एप्पल खा रही हो, उसके बाद जो बचता है मतलब उसे रिमाइंडर का 1/4 खा रही हो, और दूसरे दिन में फिर से दो एप्पल खा रही हो और जितना बचता है मतलब उसे रिमाइंडर का फिर से 1/4 खा रही हो, और तीसरा दिन बचता है तीन एप्पल, तो स्टार्टिंग में कितना परचेज किया था वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। नंबर ऑफ एप्पल को एक्स अज्यूम करेंगे और देखते हैं एप्पल लेफ्ट आफ्टर डे वन, मतलब एक दिन के बाद कितना एप्पल बचता है, एक्स से -1 करेंगे और उसके साथ एक्स माइनस डिवाइडेड बाई 4 भी करेंगे क्योंकि रिमाइंडर के 1/4 भी खा रहे हैं, तो एक दिन के बाद बच रहा है 3x-3 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरे दिन के बाद आ रहे हैं इसी 3x-3 डिवाइडेड बाई 4 से 2 माइनस करेंगे उसके साथ उसी रिमाइंडर के 1/4, मतलब 3x-3 डिवाइडेड बाई 4 अगेन -2, पूरा टोटल की हम 1/4 करेंगे तो निकलेगा 3x-11 डिवाइडेड बाई 16। अभी 3x-3 डिवाइडेड बाई 4 से -2 और उसके साथ -3x-11 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो फाइनली आएगा 9x-33 डिवाइडेड बाई 16, जिसको बोला है कि थर्ड डे में वो तीन एप्पल के साथ बराबर होता है, और इसी को कंपैरिजन करेंगे तो एक्स की वैल्यू 9 आता है जो कि हम लोग शुरू से परचेज किए थे। क्वेश्चन नंबर 82, ए सर्टन नंबर ऑफ मेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, इफ देयर हैड बीन 6 मैन मोर इट कुड हैव बीन फिनिश्ड इन 8 डेज लेस, फाइंड द नंबर ऑफ मैन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुछ आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर रहे हैं और 6 आदमी मिलकर काम करेंगे तो उसी काम को वो 8 दिन पहले ख़त्म कर लेंगे, तो टोटल कितने आदमी काम कर रहे हैं उसी काम को ख़त्म करने के लिए, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। हम अज्यूम करके लेंगे कि एक से आदमी एक काम को 40 दिन में कर रहे हैं, और इसी एक से आदमी के साथ और 6 आदमी मिला लेंगे तो उसी काम को करने के लिए वो 8 दिन कम लेंगे, मतलब 32 दिन में ख़त्म कर लेंगे। दोनों ही सिचुएशन में काम सेम होता है, इसलिए एक्स के साथ 40 मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक्स प्लस की 6 के साथ 32 मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में काम सेम होता है, और निकलता है 40x इज इक्वल टू 32x+192, और फाइनली एक्स की वैल्यू जो कि 24 आ रहा है, तो 24 आदमी लेके करेंगे तो एक काम को हम 40 दिन में ख़त्म करेंगे, और ये 24 आदमी के साथ और 6 आदमी मिला लेंगे मतलब 30 आदमी करेंगे तो उसी काम को वो 32 दिन में ख़त्म करेंगे, सो आंसर एक्स इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन नंबर 83, 36 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड टू फिनिश ए सर्टन वर्क इन 48 डेज, बट इट इज फाउंड दैट इन 24 डेज ओनली 2/5 ऑफ द वर्क इज डन, हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी टेकन टू फिनिश द वर्क इन टाइम। क्वेश्चन में दिया है कि 36 मैन एक काम को 48 डेज में कर रहे हैं, लेकिन 24 डेज के बाद पता चलता है कि 2/5 ऑफ द वर्क जो कि कंप्लीट हुआ है और अगेन पेंडिंग 3/5 ऑफ द वर्क पेंडिंग है, इसी हिसाब से वो 48 डेज काम करेंगे तो 4/5 ऑफ द वर्क जो कि कवर हो पाएगा और पेंडिंग में रह जाएगा 1/5 ऑफ द वर्क, इसी पेंडिंग वर्क को हम ख़त्म करने के लिए और कितना एम्प्लॉय ऐड करना पड़ेगा वही क्वेश्चन में पूछा गया है। और सेकेंड इक्वेशन में दिया है जो कि 24 डेज के बारे में, वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है और बचा हुआ है 24 डेज, उसी 24 डेज में कितने एम्प्लॉय ऐड करेंगे, यहाँ पे दिए हैं ऑलरेडी कि 36 मैन 24 डेज में 2/50 वर्क कर रहे हैं, मतलब इसी जगह में हम 18 मेंबर कर लेंगे तो इसी 24 डेज में 1/5 ऑफ द वर्क हम पा जाएंगे, इसीलिए आंसर 18 मेंबर और हम ऐड कर लेंगे तो वो जो पेंडिंग वर्क है 1/5 ऑफ द वर्क हम इसको पा जाएंगे, इसलिए आंसर ऑप्शन 18 मेंबर।
क्वेश्चन नंबर 84, द एवरेज एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर इन ए क्लास इज 15 ईयर। इफ द क्लास टीचर एज इज 48 ईयर्स, व्हाट वुड बी द एवरेज एज ऑफ ओनली द स्टूडेंट्स। एवरेज के लिए हम लिख सकते हैं कि टोटल एज ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एवरेज ऑलरेडी 15 दिया है और स्टूडेंट एज के एवरेज हम एक्स मान के चलेंगे। 33 स्टूडेंट है इसलिए उनका टोटल एज निकलेगा कैसे, 33 × x प्लस 48, क्योंकि टीचर्स की एज 48 ऑलरेडी दिया है, डिवाइडेड बाय 34 और नंबर ऑफ मेंबर जो कि स्टूडेंट और टीचर को मिला के 34 हो रहा है। और उसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स जो कि स्टूडेंट के एवरेज वो 14 ईयर्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 85, इन दिस क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम गिवन रेस्पॉन्स। मैं पेपर में इसको लिखा है, आप देखिए। देखिए पहला रो में लिखा है 341 लेफ्ट में और राइट में लिखा है 521। इसे लेफ्ट साइड का 341 को ईच नंबर को ऐड करेंगे, जैसे कि 3 + 4 + 1 = 8 और राइट साइड में भी ऐसे 5 + 2 + 1 ये भी 8 हो रहा है। इसी दोनों 8 को ऐड करेंगे तो बीच का 16 मिल जाएगा। और सेकेंड रो में अभी देखिए 6 + 1 + 3 जो कि 10 हो रहा है और राइट साइड में 8 + 1 + 6 जो कि 15 हो रहा है। 15 + 10 बीच का 25 आ रहा है। और थर्ड रो में देखिए 4 + 5 + 2 जो कि 11 और राइट साइड में 3 + 2 + 6 जो कि 11। इसी दोनों 11 को मिलाकर बीच का 22 आंसर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 86, द रेशियो ऑफ 250 मिलीलीटर टू 2 लीटर इज हाउ मच। 250 मिलीलीटर और 2 लीटर के बीच में हम लोग को रेशियो निकालना है। 2 लीटर जो कि 2000 मिलीलीटर के बराबर में होता है, इसे लिख लिया 250 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 2000 मिलीलीटर। इसको कैंसिल करोगे तो 1:8 रेशियो आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, बाय विजिटिंग जस्ट विच टू कंट्रीज कैन यू सी द शॉर्टेस्ट रिवर, स्मॉलेस्ट लेक एंड द लीस्ट पॉपुलेशन। ऊपर में एक पैराग्राफ दिया है, उसी को स्टडी करके देखेंगे कि कौन शॉर्टेस्ट रिवर, स्मॉलेस्ट लेक एंड लीस्ट पॉपुलेशन हो रहा है। पैराग्राफ में दिया है कि 5 कंट्रीज ए बी सी डी ई और पॉपुलेशन में ए इज द हाईएस्ट, ई इज द लोएस्ट और रिवर में ए इज द शॉर्टेस्ट, ई इज द लॉन्गेस्ट और लेक में भी सी इज द लॉन्गेस्ट, ई इज द स्मॉलेस्ट। और क्वेश्चन में पूछा है कि शॉर्टेस्ट रिवर कौन है जो कि ए और स्मॉलेस्ट लेक जो कि ई और लीस्ट पॉपुलेशन ई। सो आंसर ए एंड ई होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 88, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज सिलेक्शन इज कोडेड एज आर डी के डी बी एस एच एन एम, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर एग्जाम इन दैट लैंग्वेज। पेपर में लिखा है, देखिए जैसे सिलेक्शन वर्ड लिखा है आर डी के डी बी एस एच एन एम, मतलब ईच लेटर का पिछले वाला लेटर, जैसे कि एस के पीछे आता है आर और ई के पीछे आता है डी और एल के पीछे आता है के, इसी की सीक्वेंस में वो लिखा है। और इसी एग्जाम वर्ड का हम लिखेंगे कि ई के पीछे डी और एस के पिछले लेटर होता है डब्लू, ए की जेड और एम की एल। सो डी डब्ल्यू जेड एल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, आंसर ऑप्शन बी क्रस्ट। फिगर देखिए, फिगर में दिया है जो कि आउटर लेयर क्रस्ट और इनर लेयर कोर और बीच वाला लेयर जो कि मेंटल होता है। क्वेश्चन नंबर 90, हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, आंसर ऑप्शन डी पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 91, हु अनाउंसेस द बजट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, आंसर ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट कॉजेस ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, आंसर ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 93, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 4:5, द प्रॉफिट परसेंट इज। अभी पेपर में सॉल्व किया है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज जो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस की प्लेस में हम 5 लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस की प्लेस में हम 4 लिखेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से
ज़्यादा होता है प्रॉफिट के केस में, और 5 - 4 / 4 × 100 करेंगे जो कि 25% आ रहा है जो कि आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, विच कलर इज एट द बॉटम? आंसर ऑप्शन बी वाइट। ऊपर में जो पैराग्राफ दिया है उसको स्टडी कीजिए और देखिए कौन सा कलर नीचे आने वाला है। आप लोग पैराग्राफ देख के ये फिगर को समझ सकते हो, जो कि टॉप में आता है ब्लैक कलर, बैक में येलो और लेफ्ट साइड में ब्लू, राइट साइड में ग्रीन, फ्रंट में रेड और नीचे मतलब बॉटम में वाइट कलर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 95, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ? आंसर ऑप्शन बी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस की यूनिट लाइट ईयर, टाइम की यूनिट सेकेंड होता है, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड और फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 96, विच टेरिटोरी फॉर्मड ए पार्ट ऑफ द एंशिएंट कलिंग ऑफ महाभारत फेम? आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 97, सी पोर्ट नॉट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, मतलब कौन सी सी पोर्ट उड़ीसा में नहीं आता है? आंसर ऑप्शन ए खांडला। क्वेश्चन नंबर 98, जुआंग इन उड़ीसा इज द नेम ऑफ? आंसर ऑप्शन डी ट्राइब, जुआंग एक ट्राइब का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 99, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे जो फिगर दिया है उसी में कितना रेक्टेंगल आ रहा है आप अच्छा से काउंट कीजिए, जो कि आंसर ऑप्शन सी 18। क्वेश्चन नंबर 100, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। नीचे में कुछ नंबर दिया है जैसे कि 18,000, 3,600, 720, 144.2, 28.8 एंड 5.76, इसी में कौन रॉन्ग नंबर है इसको हम निकालना है। देखिए इधर सभी नंबर एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि 5.76 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.8 आ रहा है, उसी तरह 720 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ रहा है, और 3600 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आ रहा है। लेकिन 144.2 एक ऐसे नंबर है जो कि सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए आंसर 144.2। ऐसे ही फिटर एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट फिटर स्टडी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।